भी है ना जिनकी बेटी से तू शादी करना चाहता है। कितने की? कितने की? 8 रुपए। भले देखो तो प्याज फिर मैं 2 रुपए की ले लूं। भले फजल बख्श जी। जी मैडम, इसके अगले किस्त में आप देखेंगे जब सिबरे अपनी बुआ नरगिस के घर जाती है, वहाँ ताला लगा होता है, वापसी घर आके फजल बख्श को कॉल करती है और फजल बख्श को बताती है कि मैं अभी अपनी पप्पो के घर से आ रही हूँ, वहाँ कोई नहीं था, मैंने सोचा चलो शायद एक बार पप्पो से बात करके उसे समझा लूँ। तभी फजल बख्श बोलता है अपनी पप्पो की बेटी को कॉल करो, वो शायद बता दे तुम्हें वो कहाँ गए। तभी वो बताती है वो कहाँ बताएगी, वो भी अपनी अम्मी के साथ मिली हुई है। दूसरी जानब वहाँ फजल बख्श की ऑफिस में भी पता चल जाता है कि फजल बख्श सुलेमान साहब की बेटी को पसंद करता है और उसे शादी करना चाहता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि फजल बख्श के साथ सिबरे बाजार जाती है, वहाँ उसे वो फजल बख्श मिल जाता है जो सब्जी वाला होता है, जिसका कैरेक्टर शामिर कर रहा होता है। तो आपको क्या लगता है अभी ये जान के सिबरे फजल बख्श से प्यार करेगी या नहीं, यानी कि शामिर को पसंद करेगी या नहीं, आपको क्या लग रहा है, ये ड्रामा पसंद आ रहा है या नहीं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।